हिमाचल में तीसरे कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। बड़ी खबर है, हिमाचल में दो और कोरोना संक्रमित। सक्रिय मामलों की संख्या 34 पहुंची। अगली खबर है, हिमाचल में 50% नहीं सभी बसें चलाने का प्रस्ताव। हिमाचल के ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी राहत, 4 महीने का टैक्स माफ। अगली बड़ी खबर है, ट्रेन से 1486 हिमाचलियों की घर वापसी। ऊना में तालियों से किया गया स्वागत। कोरोना से जंग लड़ने को 7वीं की छात्रा ने दिए 70,000 रुपये। अगली बड़ी खबर है, कोरोना का साया, हिमाचल में पंचायत का चुनाव टालने की तैयारी। 10वीं और 12वीं की मैट बनाने को 2 बार चेक होंगे 100 टॉपरों के पेपर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और आज का सवाल है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बसों का किराया बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं उनसे आप कहां तक सहमत हैं? अगर आपको लगता है सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो सही हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, अगर आपको लगता है गलत है तो कमेंट बॉक्स में नो लिखिए। अगर आपका कोई और सुझाव है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो पहली खबर है, हिमाचल में तीसरे कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। कल हिमाचल प्रदेश में तीसरे कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। हमीरपुर जिले के भोटा से नेर चौक मेडिकल कॉलेज मंडी रेफर एक 52 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुण जिंदल ने की है। जानकारी के अनुसार मृतक 5 मई को दिल्ली से ग्लोड लौटा था और 9 मई को इसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। व्यक्ति दिल्ली की आजादपुर मंडी में चाय की दुकान चलाता था। तो अगली बड़ी खबर है, हिमाचल में दो और कोरोना संक्रमित। सक्रिय मामलों की संख्या अब 34 पहुंची। हिमाचल प्रदेश के हालात अब दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। कल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के फतेहपुर तहसील के गोलवा का पॉजिटिव निकला 22 वर्षीय युवक 8 मई को दिल्ली से टैक्सी में अपने पिता के साथ लौटा था। तो 22 वर्षीय युवक की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो अगली बड़ी खबर है, हिमाचल में 50% नहीं सभी बसें चलाने का प्रस्ताव। सरकार ने एक बार फिर से नया फैसला लिया है। अब हिमाचल प्रदेश में 50% नहीं बल्कि अब सभी सरकारी और निजी बसों को चलाने का प्रस्ताव है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है, अगर 50% बसें चलाई जाती हैं तो इससे बसों में सवारियों की भीड़ काफ़ी बढ़ेगी और जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन भी नहीं हो पाएगा। तो जिसके चलते सरकार ने फिर से एक नया ये फैसला लिया है, अब हिमाचल प्रदेश में सभी बसें चलेंगी। और सरकार ने एक और फैसला लिया है कि बसों का किराया अब बढ़ाया जाना आवश्यक है। अफसरों ने सरकार को यह भी बताया कि 40 सीटेड बस में अगर 20 लोगों को बिठाया जाता है तो परिवहन निजी बस ऑपरेटरों की इनकम में बहुत कमी आएगी, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में बसों का किराया बढ़ाया जाना आवश्यक है। किराया बढ़ाने से ऑपरेटरों को 40 सीट का किराया मिलेगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 3300 के करीब सरकारी और 3100 के करीब प्राइवेट बसें हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बसों का किराया बढ़ाए जाने पर आप कहां तक सहमत हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली बड़ी खबर है, हिमाचल के ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी राहत, 4 महीने का टैक्स माफ़। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत देते हुए 4 माह का टैक्स माफ़ कर दिया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते हिमाचल में परिवहन सेवाएं ठप है। इससे परिवहन के क्षेत्र को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसके बाद ट्रांसपोर्टरों ने भी परिवहन विभाग से टैक्स माफ़ करने की गुहार लगाई थी। इसके चलते सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि 4 माह तक टैक्स माफ़ कर दिया है। तो अगली बड़ी खबर है, ट्रेन से 1486 हिमाचलियों की घर वापसी। ऊना में तालियों से किया गया स्वागत। लॉकडाउन के बीच गोवा में फंसे 1486 हिमाचली ट्रेन से सुबह 7 बजे ऊना पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर तैनात सभी कर्मचारियों ने सभी यात्रियों का जोरदार तालियों से हौसला बढ़ाया। तो इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, कोरोना से जंग लड़ने को 7वीं की छात्रा ने दिए 70,000 रुपये। हिमाचल के शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के राजकीय हाई स्कूल पल जारा की 7वीं कक्षा की छात्रा अविसी ने अपने पिता के साथ 70,000 रुपये की राशि CM कोविड रिस्पांस फंड में दान की है। उसके अलावा अगली बड़ी खबर है, कोरोना का साया, हिमाचल में पंचायत चुनाव टालने की तैयारी।
हिमाचल में दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव पर भी कोरोना वायरस का साया पड़ता दिख रहा है। अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो प्रदेश सरकार चुनाव आगे खिसका सकती है। कल यानी गुरुवार को इसका अंदेशा जताते हुए पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया है कि जून में इसकी समीक्षा की जाएगी। अगर हालात सामान्य रहे तो समय पर चुनाव होंगे। अगर वायरस का प्रकोप जिस तरह से अब बढ़ता जा रहा है वैसे ही बढ़ता गया तो कुछ माह तक चुनाव टल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पर अभी फैसला लेना जल्दबाजी होगी, इसका इंतजार जून अंत तक करना चाहिए। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, 10वीं 12वीं की मेरिट बनाने को दो बार चेक होंगे 100 टॉपरों के पेपर। हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक नया प्रयोग किया जा रहा है। इस साल 10वीं और 12वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट बनाने को 100 टॉपर विद्यार्थियों के पेपर दो बार जांचे जाएंगे। मेरिट को लेकर कोई शंका ना रहे इसलिए यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, ये थी आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। डेली इसी तरह से खबरों के लिए आप इट्स कानिस फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए या फॉलो कर लीजिए, आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपका हमारे बारे में कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।